नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइड। सभी बिहार में आशा कार्यकर्ता हड़ताल तोड़ी भी नहीं है कि अब जितने भी पंचायत के मुखिया हैं वो आज यानी 16 अगस्त से जो है हड़ताल पर चले गए हैं। वो अपने वेतन में बढ़ोतरी चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं और भी कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर वो आज से धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल पर चले गए हैं। तो वही अब आपको बता दें कि जो हड़ताल है उनका 31 अगस्त तक चलने वाला है। वो अपनी मांगों को लेकर अब सरकार केंद्र सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वो निर्णय पर पहुंचे हैं कि अब जो है वो हड़ताल पर जाएंगे। और आज यानी 16 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरे राज्य भर में मुखिया सरकारी कार्य का बहिष्कार करेंगे। वेतन भत्ते में बढ़ोतरी, सुरक्षा समेत अन्य मांगों को लेकर मुखिया 16 दिन तक हड़ताल पर रहेंगे। 22 अगस्त को प्रखंड स्तर और 29 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बाद में बता दें कि ग्राम पंचायतों के मुखिया नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार दोनों के खिलाफ जो है हड़ताल कर रहे हैं, उनसे नाखुश है, तभी वो लगातार इसको मांग कर रहे हैं और अपने वेतन बढ़ोतरी, सुरक्षा समेत कई ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर वो हड़ताल पर बैठे। बता दें कि मुखिया पैच बता दें कि बिहार मुखिया महासंघ के नेतृत्व में यह हड़ताल बुलाई गई है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया है कि हड़ताल के पहले चरण में सभी मुखिया सरकारी कामकाजों का बहिष्कार करेंगे, अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बिहार मुखिया महासंघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने बताया है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है पंचायतों के अधिकारों का कुठाराघात कर रही है, मुखिया से उनका हक छीना जा रहा है, ना तो उनके अनुसार काम हो रहा है और ना ही उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। मुखिया को हथियार का लाइसेंस भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में बताएं कि अभी राज्य भर में जो है आशा कार्यकर्ता जो है लगातार वो अपने वेतन में बढ़ोतरी और कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं डिप्टी सीएम की तरफ से उन्हें आश्वासन भी मिला है कि वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, लेकिन अभी ये हड़ताल टूटा भी नहीं है, ये प्रदर्शन अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि अब मुखिया जो है बिहार के सारे पंचायतों जो मुखिया हैं वो अब हड़ताल पर चले गए हैं। आज से 31 अगस्त तक यह हड़ताल चलने वाला है। वही बता दें कि मुखिया जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की जाए और केंद्र सरकार 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर मिलने वाली राशि मुहैया की जाए। इसके अलावा जितने भी मुखिया है वो अपनी मांग कर रहे हैं कि मुखिया की सुरक्षा की गारंटी दी जाए, उन्हें हथियारों का लाइसेंस दी जाए, आपराधिक घटनाओं में जनप्रतिनिधियों की मौत पर आश्रितों को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले, मनरेगा में पंचायतों को भुगतान का अधिकार वापस मिले, नल जल योजना का संचालन PHED की जगह पंचायतों को दिया जाए। ये सारी मांगे हैं जो मुखिया कर रहे हैं इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार से, और इसी को लेकर जो है वो अब प्रदर्शन पर चले गए हैं। वो अब प्रदर्शन करेंगे। आज से 31 अगस्त तक जो है ये हड़ताल जारी रहेगा और लगातार ये हड़ताल में ये अपनी मांगों को उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जितने भी बिहार के मुखिया हैं वो सब केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं। वो अपनी सुरक्षा, वेतन भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर अब हड़ताल पर चले गए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।